टेक ओवर कोड अगर हम शुरू करते हैं इसके अंदर इसका एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमने एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखी थी फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर की तो हम लोग आएंगे टू ट्रिगर पॉइंट पे बट उसके पहले टेक ओवर कोड बहुत अच्छा रेगुलेशन है अक्वायर क्या होता है अक्वायर सिंपली रिफर्स टू अ पर्सन हु इज अक्वायरिंग द शेयर ऑफ द टारगेट कंपनी अक्वायर कैन बी एन इंडिविजुअल और अ कंपनी

टोटल अगर हमने जितने शेयर को या लेस किया उसको एडजस्ट करने के बाद में जो वेटेड टोटल नंबर ऑफ शेयर आएंगे वो लेंगे हम अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर चेंज हुए तो अदरवाइज आसान भाषा में हम टोटल नंबर ऑफ शेयर देखते हैं कंपनी के उसका टेन परसेंट अगर पिछले ट्वेल्व मंथस में ट्रेड हुआ है तो वो हो गई फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड और टेन परसेंट से कम हुआ है तो वो हो गई इनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड उसके हिसाब से आगे के प्रोविजन चेंज हो जाता है टेक ओवर कोड में जो ओपन ऑफर देना होता है वो किस प्राइस पे देंगे ये फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड के लिए अलग है इन फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड के लिए अलग है क्लियर है हम लोग यहां तक चलो फिर हम मेन पार्ट पे आते हैं इस चैप्टर के अंदर I'm sorry when we talk about SEBI substantial acquisition of shares and takeover regulation 2011 ये क्या कहता है कि regulation apply किस पे करेगा जब भी acquisition हो रहा है in a listed company but तो अगर आईजीपी पेस्ट हुई है टेक ओवर कोड अपलाइज ऑन ऑल द कंपनीज लेकिन टेक ओवर कोड डॉट अप्लाई अगर आपकी कंपनी लिस्ट हुई है आईजीपी पे विदाउट मेकिंग पब्लिक इशू उसके बाद में हमने अच्छे से पढ़ा कि ओपन ऑफर की बात अच्छे समझना सबसे ट्रिकी पार्ट इस चैप्टर When we talk about takeover code, so this mandatory open offer, voluntary open offer. Voluntary end mein hai, mandatory open offer. There are two trigger points which trigger the mandatory open offer. The first trigger point: whenever any acquirer along with PAC intends to acquire such number of shares that is total holding with touch, 25%, he has to first give an open offer for. 26%. वापस एक बार शांति से एकदम आराम से वेन एवर एनी अक्वायर कोई भी व्यक्ति अगर किसी कंपनी में इतने शेयर्स अक्वायर करना चाहता है कि उसकी टोटल होल्डिंग टच कर जाएगी कितना 25 मान लीजिए मेरे पास किसी कंपनी के 5 परसेंट शेयर थे मैंने 5 परसेंट और खरीद लिए टिकट होगा हो क्या ट्रिगर होगा क्या नहीं होगा ट्रिगर कब होगा जब मेरी होल्डिंग टच हो जाती है मेरे पास 10 है, अब मैंने टेन परसेंट और अक्वायर कर लिए ट्रिगर अभी भी नहीं होगा मेरे पास ट्वेंटी परसेंट शेयर है मैंने फोर परसेंट शेयर कर लिए अभी भी ट्रिगर नहीं होगा मैं ट्वेंटी फोर बैठा हूं अब मैंने अगर वन परसेंट शेयर भी अक्वायर किए तो मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर हो जाएगा मैंडेटरी ओपन ऑफर क्या कहता है मैंडेटरी ओपन ऑफर का फर्स्ट ट्रिगर पॉइंट कहता है ये कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति 24 पर बैठो आप अगर आप 24 पर बैठे हो तो हमें आपसे कोई परेशानी नहीं है इफ सिटिंग एट 24 फोर हैव नो प्रॉब्लम यू बट इफ एट ऑल आप उसके बाद में एक शेयर परसेंट भी शेयर कर लेंगे और आप 25 टच करना चाहते हैं यू हैव टू गिव एन ओपन ऑफर ओपन ऑफर का मतलब इतना सा है कि अगर कोई व्यक्ति ट्वेंटी टच करता है तो उसको पहले पब्लिक को एक ओपन ऑफर देना होगा कि मैं आप सबके शेयर खरीदने को रेडी हूं कितना ट्वेंटी ऑफ टोटल शेयर कैपिटल तो जिससे कि कोई भी व्यक्ति अगर कंपनी का कंट्रोल रहता है तो सारे शेयर होल्डर को एक अपॉर्चुनिटी मिले लास्ट टाइम करता हूं एक्टिंग इन कॉन्सर्ट अक्वायर सच नंबर ऑफ शेयर दैट इज टोटल होल्डिंग टच इज मैंडेटरी ओपन ऑफर फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी सिक्स परसेंट ऑफ टोटल कैपिटल बिल्कुल ठीक है अब आता है सेकंड ट्रिगर पॉइंट

Any person who's already holding 25% or more share, if he intends to acquire more than 5% in any financial year, if he intends to acquire more than 5% in any financial year, then he also has to give a mandatory open offer for at least 26%. Mandatory open offer 26%. Whether it is first trigger point or second trigger point. We do this very carefully. Padha tha. ये पूरा डायग्राम दिख रहा है पहला पॉइंट कहता है कि एनी अलॉन्ग इफ इंटेंट्स टू अक्वायर सच नंबर ऑफ शेयर दैट इज टोटल होल्डिंग विल बी ट्वेंटी फाइव परसेंट और मोर इन द टारगेट कंपनी द पर्सन हैज टू फर्स्ट गिवेन मैंडेटरी ओपन एटलीस्ट ट्वेंटी सिक्स परसेंट ये हो गया मैंडेटरी ओपन ऑफर का ट्रिगर पॉइंट नंबर वन ट्रिगर पॉइंट नंबर टू वेन एवर एनी अक्वायर हुई होल्डिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट और मोर शेयर

सेकंड ट्रिगर पॉइंट हम किस प्रकार से लिखते हैं इफ एनी एक्वायरर हुज ऑलरेडी होल्डिंग 25% ऑफ मोर शेयर्स इंटेंड्स टू एक्वायर मोर देन 5% शेयर ही हैज टू गिव अ मैंडेटरी ओपन ऑफर फॉर एटलीस्ट 26% दैट इज द सेकंड ट्रिगर पॉइंट क्रीपिंग एक्विजिशन हम कैसे बोलते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन रिफर्स टू अ केस वेयर इन द एक्वायरर हुज ऑलरेडी होल्डिंग 25% और मोर शेयर्स एक्क्वायर्स ओनली अप टू 5% शेयर्स इन द टारगेट कंपनी ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एन ओपन ऑफर तो क्रीपिंग एक्विजिशन का कांसेप्ट ही क्या है कि जो

25% चलो यहां पर एक चीज का ध्यान रखना होता है कि आप ओपन ऑफर वैसे तो 26 परसेंट का देंगे बट आपको मिनिमम पब्लिक का ध्यान में रखना है मिनिमम पब्लिक को ध्यान में रखते हुए ही आप ओपन ऑफर देंगे चलिए ये हम लोग पढ़ते हैं इसके बाद में हाँ मुझे बताओ ये जो फाइव परसेंट का रूल है ये फाइव परसेंट ग्रॉस लेंगे या नेट लेंगे ग्रॉस लेंगे इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति अक्वायर जिसके पास ऑलरेडी थर्टी परसेंट शेयर है मतलब वो इस फाइनेंशियली में अगर फाइव परसेंट ज्यादा अक्वायर करेगा तो ओपन ऑफर देना पड़ेगा उसने थ्री अक्वायर किया फिर उसने थ्री वापस सेल ऑफ कर दिया फिर उसने थ्री परसेंट वापस अक्वायर किया वो कह रहा है मैं ओपन ऑफर नहीं दूंगा क्योंकि मैंने सिर्फ 3 किया। समझ में थ्री परसेंट बेचा थ्री परसेंट अक्वाइयर किया तो इफेक्टिवली थ्री परसेंट नहीं दूंगा ये आके बोली, एक्विजिशन कितना हुआ सिक्स परसेंट का ओपन ऑफर देना पड़ेगा तो यहां पर वी सी ग्रॉस एक्विजिशन चलिए इसके बाद वॉलिट्री ओपन ऑफर एंड में देखते हैं हम लोग

वो चाहता है नहीं मुझे पब्लिक से जब मैं पब्लिक को ओपन ऑफर दूंगा 26 परसेंट का मुझे पब्लिक से कम से कम 20 परसेंट तो चाहिए ही चाहिए तो ये अगर उसने मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस सेट कर दिया है इफ द पर्सन हैज सेट अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज अ कंडीशनल ऑफर नाउ ही इज मेकिंग अ कंडीशनल ऑफर कि मुझे अगर पब्लिक ऑफर में ट्वेंटी मिला तो ही मैं शेयर परचेज अग्रीमेंट में खरीदूंगा मतलब मुझे 25 परसेंट खरीदा था वो भी मैं तभी खरीदूंगा और पब्लिक से भी मैं तभी खरीदूंगा अगर मुझे 20 परसेंट मिला तो अगर ऐसा कंडीशनल ऑफर रखा है उस व्यक्ति ने 25 परसेंट का अग्रीमेंट किया ट्वेंटी कि ट्रिगर हो गया ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट पब्लिक को ऑफर दिया सिर्फ टेन ने अप्लाई किया तो ना तो उसको ए 25 फाइव अक्वायर करने की जरूरत है ना उसको 10 परसेंट अक्वायर करने की जरूरत है बिकॉज ही हैज सेट अ मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ एटलीस्ट 20 तो कंडीशनल ऑफर रिफर्स टू ऑफर इन विच दी एक्वायरर सेट्स अप मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस कि इतना शेयर मिला तो ही मैं खरीदूंगा कुछ भी फ्रॉम द पब्लिक और अंडर द शेयर परचेज अग्रीमेंट

नेगोशिएटेड प्राइस पर शेयर अंडर द परचेज अग्रीमेंट हाइएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस पर शेयर अंडर द परचेज अग्रीमेंट कि ये व्यक्ति अक्वायर ने जब ये 25 परसेंट अक्वायर करने का अग्रीमेंट किया है इसमें जो वो प्राइस दे रहा है हाइएस्ट प्राइस जो वो दे रहा है वो यहां पर आ जाएगी एक एग्जाम्पल के तौर पर तो अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने मुकेश अंबानी से अगर थर्टी परसेंट शेयर खरीद लिए, तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने मुकेश अंबानी से थर्टी खरीदे वो यहां द शेयर अग्रीमेंट तो पहला आ जाता है जिस चीज के कारण आपका ओपन ऑफर ट्रिगर हुआ है वो प्राइस यहां पर आ गई हाइएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस अंडर द शेयर आपका एवरेज प्राइस ऑफ प्रिडिंग फिफ्टी टू वीक्स अक्वायर

तो इफ द शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड तो ये चार प्राइसेस आएंगी इन चारों में से जो हाईएस्ट प्राइस होगा उस प्राइस पे आपको ओपन ऑफर देना होगा पब्लिक को वापस रिपीट कर रहा हूं हाउ विल यू कैलकुलेट दी ऑफर प्राइस क्या आप कह तो रहे हो कि पब्लिक को हम ट्वेंटी का ओपन ऑफर देंगे लेकिन ये 26 का ओपन ऑफर जो पब्लिक को दे रहे हो किस प्राइस पे दोगे रेगुलेशन बताता है इन चारों में से जो हाइएस्ट आएगा उस प्राइस पे आप ओपन ऑफर देंगे चारों क्या पहला हाइएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस अंडर द शेयर परचेज अग्रीमेंट

क्सीडिंग ट्वेंटी of of हम टारगेट कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं एंड लास्ट इज वॉल्यूम एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ प्रिडिंग सिक्सटी ट्रेडिंग डेज इन चारों में से जो हाइएस्ट आ जा जा जाएगी वो बन जाएगी आपकी ऑफर प्राइस अगर शेयर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं है तो पहला पॉइंट एज इट इज रहेगा दूसरा पॉइंट एज इट इज रहेगा तीसरा पॉइंट एज इट इज रहेगा पहला पॉइंट भी हाईएस्ट प्राइस पेड हाइएस्ट नेगोशिएटेड प्राइस शेयर परेस अग्रीमेंट दूसरा भी वॉल्यूम विर एवरेज प्राइस ऑफ एक्विजिशन मेड बायर ड्यूरिंग प्रेडिंग फिफ्टी टू वीएस्ट प्राइस पेड बायवायर फॉर ड्यूरिंग प्रेसिडिंग ट्वेंटी सिक्स वीक एज इट इज फिर हमने वहां पे लास्ट पॉइंट रखा था वॉल्यूम वेटेड एवरेज मार्केट प्राइस का वो यहां पे क्यों नहीं ले सकते बिकॉज द शेयर्स आर नॉट फ्रीक्वेंटली रेडेड तो उसकी जो मार्केट प्राइस है वो स्टैंडर्ड नहीं होगी वो फेयर नहीं होगी तो यहां पर वो लोग लेकर आए आराम से इग्नोर यहां पर वो लोग लेकर आए प्राइस डिटर्मेंट बाय द अक्वायर एंड द मैनेजर टू द ओपन ऑफर

नहीं होगी तो इस केस के अंदर अक्वायरर और तो मैनेजर है ये लोग बैठेंगे वेरियस वैल्यूएशन पैरामीटर्स बुक वैल्यू ट्रेडिंग मल्टीपल्स इन सब के साथ बैठ के एक, बुक वैल्यू ट्रेडिंग मल्टीपल इनमें से किसी एक तरीके से आपका एक फेयर वैल्यू निकालेंगे तो इनका जो फेयर वैल्यू होगा वो एक और प्राइस आ जाएगा इन चारों में से जो हाइएस्ट प्राइस होगी वो बन जाएगी यहां पर आपकी क्या ऑफर प्राइस

हम अगर पब्लिक अनाउंसमेंट डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट डू रिमेंबर पब्लिक कब देना है पब्लिक अनाउंसमेंट कब देना है तुरंत ट्रिगर होते ही जैसे ही आपके ऊपर ट्रिगर होता है आपको तुरंत क्या दे देना है पब्लिक अनाउंसमेंट पब्लिक अनाउंसमेंट स्टॉक एक्सचेंज का दे तुरंत उसके बाद में आपको आफ्टर दैट पब्लिक अनाउंसमेंट हैज टू बी गिवन टू सेबी एज वेल एज टारगेट कंपनी तो हमेशा इन तीनों को इन्फॉर्म करना है हंड्रेड पे रखो इन तीनों को इन्फॉर्म करना है स्टॉक एक्सचेंज टारगेट कंपनी एंड सेबी तो हमने पब्लिक अनाउंसमेंट स्टॉक एक्सचेंज को तुरंत दे देना है और थोड़े समय बाद पब्लिक अनाउंसमेंट सेबी और टारगेट कंपनी को भी देना है जब हमने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था उसके पांच दिन के अंदर आपको डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दे देना है न्यूज में एज वेल एज स्टॉक एक्सचेंज सेबी एंड टारगेट कंपनी पब्लिक अनाउंसमेंट दिया हमने उसके बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी हमने सेबी और टारगेट कंपनी को भी दे दी पहले स्टॉक एक्सचेंज को दिया फिर जब हमने पहले स्टॉक एक्सचेंज को दिया था वहां से पांच दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट की कॉपी इन तीनों को भी देनी है और इंग्लिश हिंदी रीजनल न्यूज़पेपर के अंदर भी देनी है रीजनल दो थे यहां पर याद आ रहा है इंग्लिश न्यूज हिंदी न्यूज रीजनल न्यूज पेपर जहां पर पे आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है और एक रीजनल न्यूज आपके स्टॉक एक्सचेंज का तो ये आपको चार न्यूज़पेपर में देना है और उन तीनों को इन्फॉर्म करना है ये जैसे कि, कि आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया सबसे पहले स्टॉक एक्सचेंज को सेम डे विद इन वन डे आपको पब्लिक अनाउंसमेंट दे देना है सेबी को एज वेल एज टारगेट कंपनी को और पांच दिन के अंदर आपको डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दे, दे देना है उन चारों न्यूज में और साथ में स्टॉक एक्सचेंज सेबी और टारगेट कंपनी को भी यहां तक तो लाइफ बहुत ही आसान है इसके बाद में यहां पर दिख रहा है पब्लिक अनाउंसमेंट तो दे हमने। ये। एस्क्रो, एस्क्रो, एस्क्रो। ये मतलब दिया हमने प्रोविजन ऑफ एस्क्रो उसके दो दिन पहले आपको जमा करा तो देना तो है तो टू डेज प्रायर टू द डेट ऑफ डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट आप डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देते हैं उसके दो दिन पहले आपका पैसा जमा होना चाहिए एस्क्रो अकाउंट में सिर्फ कितना पैसा जमा होना चाहिए फर्स्ट 500 हंड्रेड करोर पे ट्वेंटी के ऊपर टेन परसेंट ऐसा पढ़ते हैं फर्स्ट हंड्रेड करोड़ पे ट्वेंटी बैलेंस के ऊपर टेन परसेंट यहां पर हम लोग किस पे पढ़ रहे हैं अभी हम टेक ओवर कोड के एस्क्रो की बात कर रहे हैं फर्स्ट फाइव हंड्रेड का जो आपका एस्टिमेटेड परसेंट जमा कराओ बैलेंस का टेन परसेंट तो अगर आपका टोटल कंसिट्रेशन पेबल आ रहा है छह सौ करोड़ तो फाइव हंड्रेड पे ट्वेंटी फाइव परसेंट और हंड्रेड पे टेन परसेंट एसे स्लैबरेट अप्लाई करना है ठीक है फिर प्रोसीजर आ जाता है दैट इज वेरी इजी कि आपने अच्छे से समझना पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है ठीक है उसके पांच दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है ए हाँ सब साथ में हो ना yes, आपने पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था उसके पांच दिन के अंदर आपने डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया था डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के दो दिन पहले एस्क्रो में पैसा जमा कराया आपने ठीक है तो आपने सबसे पहले दिया है आपका पब्लिक अनाउंसमेंट उसके पांच दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट देना है और डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट के दो दिन पहले एसक्रो में पूरा पैसा जमा हो जाना चाहिए पांच दिन के अंदर आपको ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर सेबी को देना सेबी को यहां पर कितना समय मिलता है कुछ जगह सेवन डेज लिखा होगा याद आ रहा है ना सेवन डेज कहां पड़ा है के टेंडर ऑफर के अंदर आईसीडीआर में कितना पड़ते हैं थर्टी डेज ये ध्यान रखना है कि सेबी को हर एक केस में अलग अलग टाइम पीरियड मिलता है टेक ओवर कोड कहता है कि हम पब्लिक को ये ड्राफ्ट लेटर ऑफ उफ ऑफर दे रहे हैं। उसके पहले सेबी आपके पास अप्रूव कराने के लिए आए हैं आप पंद्रह दिन में इसको अप्रूव कर दो अगर पंद्रह दिन के अंदर आपने कुछ भी जवाब नहीं दिया तो हम मान लेंगे कि ड्राफ्ट लेटर ऑफ उफ ऑफर फाइनल लेटर ऑफ ऑफर है तो हम लोगों ने शुरू से शुरू करता हूँ पब्लिक अनाउंसमेंट दिया उसके पांच दिन के अंदर ड्राफ्ट लेटर उसके पांच दिन के अंदर डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया उसके दिन के अंदर हमें ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर देना है सेबी हैज गॉट डेज जैसी रिप्लाई आया उसके सात दिन के अंदर लेटर ऑफ ऑफर हमें पब्लिक को दे देना है सेबी का जैसी रिप्लाई आया उसके सेवन डेज के अंदर लेटर ऑफ ऑफर हमें पब्लिक को दे देना है शांति से दिमाग में बैठा लो एकदम अच्छे से सुनना सबसे पहले पब्लिक अनाउंसमेंट पाँच दिन में डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट उसके दो दिन पहले एस तो ठीक है अभी पब्लिक अनाउंसमेंट पांच दिन में डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट इसके पांच दिन के अंदर आपको ड्राफ्ट ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर दे देना है सेबी को पंद्रह दिन में सेबी रिस्पॉन्ड करेगा जैसे ही सेबी का रिस्पॉन्स आया या फिर फिफ्टीन डेज ओवर हो गए उसके सेवन डेज के अंदर आपको ये लेटर ऑफ ऑफर पब्लिक को दे देना है एक बार पब्लिक को लेटर ऑफ ऑफर दे दिया उसके बाद आपका ऑफर पीरियड चालू होगा ऑफर पीरियड विल रन फॉर टेन डेज जैसे ही आपका ऑफर पीरियड कंप्लीट हो जाता है उसके विद इन डेज आपको कंसिडेशन पे करके पूरा काम खत्म कर देना है

ओपन ऑफर का प्रोविजन अलग है वो पढ़ लिया हमने उनको भूल जाओ अभी हम पढ़ रहे हैं डिस्क्लोजर के प्रोविजन सो वेन एवर एनी अक्वायर अलॉन्ग विद्वायर फाइव परसेंट ही गेट्स फाइव परसेंट इन द कंपनी ही हैज गिव अक्लोजर फाइव परसेंट का लॉजिक ऐसा मत समझना कि जब भी किए एनी और दैट लिमिट इन द कंपनी उसके पास मैं एक अक्वायर हूं मैंने फोर परसेंट शेयर कर लिए फोर परसेंट बेच दिए फोर परसेंट अक्वायर कर लिए फोर परसेंट भेज दी मैं करता रहूंगा दिन भर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता जिस दिन मैं कंपनी की फाइव परसेंट शेयर कैपिटल टच करूंगा उस समय पर मुझे डिस्कलोजर देना पड़ेगा

डिस्कलोज देना मेरे पास फाइव परसेंट हो गया जैसे फाइव परसेंट हो गया मेरे पे ट्वेंटी नाइन टू डिस्कलोजर अपला हो गए ठीक है अब मेरे पास फाइव परसेंट हो गया मैंने टू परसेंट शेयर अक्वायर किया डिस्लोर देना है क्या लास्ट डिस्क्लोजर फाइव पे दिया था उसके बाद टू परसेंट अक्वायर कियाको डिस्क्लोजर देना है अब मैंने थोड़ा भी वन परसेंट भी अक्वायर किया डिस्लोजर देना होगा बिकॉज लास्ट डिस्क्लोजर से मोर देन टू परसेंट चेंज हो गया ना तो अब मेरे पास होगा एट परसेंट डिस्क्लोजर देना पड़ेगा अब मैंने वापस वन परसेंट अक्वायर किया डिस्कलोजर देना है नहीं एक और बार वन परसेंट अक्वायर किया

मतलब उसके होल्डिंग परसेंट टच कियाडी मैंडेटरी ओपन ऑफर ट्रिगर नहीं हुआ है लेकिन ये को ओपन ऑफर देना चाहता है।, तो देने का प्रोविजन है लेकिन उसमें आपको वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर ये चार कंडीशन कंपल्सरली होती है समझना अच्छे से पहली कंडीशन कोई भी व्यक्ति वॉलेंटरी ओपन ऑफर सिर्फ तब दे सकता है जब उसका मिनिमम शेयर होल्डिंग कितना होगा

टेन परसेंट से कम का भी ऑफर नहीं दे सकते हैं और आपके पास अगर ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम है तो भी आप ओपन ऑफर नहीं दे सकते वॉलंटरी तो यहाँ पे वॉल्ट्री ओपन ऑफर का मतलब यह है कि मेरे पास थर्टी परसेंट शेयर है हाँ मैं वॉल्टरली ओपन ऑफर देना चाहता हूँ टेन का यू कैन गिव आप पे वो ट्रिगर नहीं करेंगे पॉइंट याद है मोर देन फाइव परसेंट ट्रिगर हो जाता है लेकिन अगर आप शुरू से एक वॉल्ट्री ओपन ऑफर देते हैं तो वो ट्रिगर नहीं करेंगे तो यू वॉलंटरी ओपन ऑफर एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं आई है

लेकिन ट्रिगर पॉइंट नंबर वन इज नॉट एट ऑल अवॉइडेबल वो अवॉइड हो ही नहीं सकता है क्योंकि वॉलेंटरी ओपन ऑफर देने के लिए एलिजिबिलिटी कितनी है ट्वेंटी फाइव परसेंट और आप ट्वेंटी सिर्फ तब टच करोगे जब आपने एक बार लाइफ में क्या दिया होगा मैंडेटरी ओपन ऑफर आपने कभी मैंडेटरी ओपन ऑफर दिया होगा तभी तो आपके क्या ट्वेंटी आए हैं तो उसके बाद में आप वॉलंटरी ओपन ऑफर दे सकते हैं I hope you are understanding the criticalities here. So, these are two conditions for a voluntary open offer that the person should hold at least 25% shares and the minimum offer size has to be of 10%. There are two conditions that during the offer period, the acquirer, market the market, no will acquire. the acquirer will not acquire any shares other than the open offer during the open offer. The acquirer of the shares shall not, will not be allowed during the offer period otherwise than through the open offer, acquisition of shares. तो जब आपका ओपन ऑफर चल रहा है वॉलंट्री ओपन ऑफर उस समय पे आप मार्केट से कोई भी शेयर नहीं कर सकते offer, offer, कि आप से कोई शेयर खरीद नहीं सकते ड्यूरिंग ऑफर थर्ड पॉइंट कहता है कि ड्यूरिंग द ऑफर तो ठीक है ऑफर खत्म होने के बाद भी कितने समय तक सिक्स मंथ्स तक आपने वॉल्ट्री ओपन ऑफर दिया ऑफर खत्म हो गया उसके बाद छह महीने तक आप ओपन ऑफर नहीं दे सकते वापस रिपीट करता हूं मैं आप एक्विजिशन ऑफ शेयर इज नॉट अलाउड फॉर सिक्स आफ्टर दी ओपन ऑफर हाँ आपने एक बार वॉलेंट्री ओपन ऑफर दिया है उसके बाद छह महीने तक आप मार्केट से सिक्योरिटी मार्केट से सिक्योरिटी नहीं कर सकते हाँ हाँ बने रहो बनेड्रेड बने तो परसेंट

कंडीशन क्या कहती थी कि ड्यूरिंग दी ऑफर पीरियड ऑफ वॉल्ट्री ओपन ऑफर द कैन नॉट अक्वायर एनी शेयर फ्रॉम ऑफ द फ्रॉम अदरवाइज देन दिस ओपन ऑफर कि जब ये ओपन ऑफर दे रखा है उसने वॉलंट्री ओपन ऑफर इस ऑफर के अलावा वो मार्केट से कोई भी शेयर अक्वायर नहीं कर सकता है थर्ड कंडीशन देती कहती है कि जब ये ओपन ऑफर एंड हो गया उसके बाद छह महीने तक भी वो मार्केट से कोई भी शेयर नहीं कर सकता है तो वॉलेंटरी ओपन ऑफर में चार ही कंडीशन आ जाती है मेनली पहला 25 होना चाहिए चाहिए मिनिमम ऑफर साइज ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड आप मार्केट से कोई शेयर नहीं कर सकते ऑफर पीरियड एंड होने के बाद में भी छह महीने तक आप मार्केट से कोई शेयर अक्वायर नहीं कर सकते तो छह महीने तक आप कोई शेयर नहीं कर सकते, तो नहीं कर सकते उसके दो एक्सेप्शन है यू कैन अक्वायर शेयर अनदर ओपन ऑफर और कंपीटिंग ओपन ऑफर ये दो एक्सेप्शन है कि वैसे तो आप नेक्स्ट सिक्स मंथ तक शेयर अक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो इसके दो एक्सेप्शन है थ्रू अनादर ओपन ऑफर और थ्रू अ कंपीटिंग ऑफर इनसे आप अक्वायर कर सकते हो रुकना 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 थकना नहीं है यस हंड्रेड परसेंट फोकस स्क्रीन पे

100% oh, focus on the screen. A Limited already had say 20% shares in B Limited. 20% shares there. There is a company C Limited which has 50% shares in B Limited. Now A Limited has say acquired 50% shares in C Limited. A Limited has C Limited 50% shares acquired in 55%.

तो आप डायरेक्टली भी ट्वेंटी क्रॉस करते हो तो भी ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट है इनडायरेक्टली भी क्रॉस करते हो तो भी ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट है फिर आता है टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ट्वेंटी वीक बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है सुनना बड़ा मजा आएगा फुल मजे ली के हमने अभी तक क्या पढ़ा बेटा जी हमने ये पढ़ा है कि अक्वायर जब भी 25% फाइव टच करता है उसको ओपन ऑफर देना है फॉर एटलीस्ट ट्वेंटी

उससे ज्यादा प्राइस पे मार्केट से इन नेक्स्ट ट्वेंटी तो हमें ओपन ऑफर के की प्राइस हमने फाइव हंड्रेड रुपीज के ट्वेंटी को ओपन ऑफर दिया उन शेयर होल्डर्स को हमने दे दिया अब ये होने के नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स वीक में अक्वायर ने और महंगे में फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी में शेयर किए

अगर स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स रिक्वायर्ड फॉर द ओपन ऑफर हैज बीन डिड्यू आपको स्टैट्यूटरी अप्रूवल्स ही नहीं मिले तो आपका ओपन ऑफर विथड्रॉ हो सकता है acquirer being a natural person to put any condition stipulated in the agreement for acquisition attracting the obligation to make the open offer is not met for reasons outside the reasonable control of the acquirer कि हमारे कुछ condition थी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम ओपन ऑफर दे सकते हैं और वो मीट नहीं हुई है इज़ आउटसाइड दी पावर ऑफ अक्वायर हमारी कोई कंडीशन थी वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है तो भी आप ओपन ऑफर विद्रॉ कर सकते हैं Last, कोई भी और जो कि को लगता है, चार केसेस विद्रॉल अलाउड है फोर केस तो पढ़ने लायक ही नहीं है ना बिकॉज ये विड्रॉल अलाउड है यू कैन विद्रॉ तो ये तो पॉइंट ही नहीं हुआ

या फिर इशू एक्सचेंज और ट्रांसफर ऑफ कवर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या फिर आप कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी दे सकते हो तो आप किस प्रकार से पेमेंट कर सकते हैं आप या तो केस दे दो या फिर आप इक्विटी शेयर दे दो या फिर आप डेट सिक्योरिटी दे दो या फिर आप कन्वर्टेबल डेट दे दो और लास्ट पॉइंट आप चाहो तो इन सब में से किसी का कॉम्बिनेशन करके भी दे सकते हो थोड़ा कैश थोड़ा कन्वर्टेबल डेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो ये दूसरा पॉइंट है फिर आता है सबसे तूफान पॉइंट यहां पर दैट इज एक्सेप्शन एकदम दिल थाम के बैठना बैठनाशन हमने सारे एग्जाम्शन बहुत अच्छे से पढ़े एक बार ठीक है हमें ऐसा क्वेश्चन आना मुश्किल है कि बता दो क्या होते हैं लेकिन अगर भी गया तो वी शुड बी एबल टू टू राइट फुल स्पीड में एक बार पे देखते हैं जो जो हमारे फेवरेट एक्जाम्शन होंगे चलो अगर हमें एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होता है कि बताओ बताओ कौन कौन से ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक्स होते हैं तो हम क्या क्या आसानी से लिख पाएंगे देखो सबसे पहला अगर कभी भी एग्जाम्शन का मतलब क्या पहले समझना एग्जाम्शन का मतलब ये हो गया कि नॉर्मली कभी भी अग... अगर आपके ऊपर ट्रिगर हो गया है मैंडेटरी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट अगर कभी भी आपके ऊपर ट्रिगर हो गया मैंडेटरी ओपन ओपन ऑफर ऑफर तो आपको देना होगा लेकिन अगर आप इनमें से कहीं पे कवर हो गए तो आपको ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा दीज आर एग्जाम्स टू दी मैंडेटरी ओपन ऑफर अब किस किस केस में एग्जाम्शन है पहला कन्वर्जन ऑफ इक्विटिशन टू सुपीरियर वोटिंग राइट इन टू ऑर्डर इक्विटिशन हाँजी है कि आपके सुपीरियर वोटिंग राइट जो थे वो ऑर्नरी वोटिंग राइट में कन्वर्ट हो रहे हैं इस कारण से किसी व्यक्ति की शेयर होल्डिंग अब 25 टच हो गई है उसके बाद में प्रेफरेंशियल इशू हो रहा है इजी पॉइंट बायबैक हो रहा है तो तीन काफी आसान पॉइंट कौन से हो गया हमारे सबसे पहला पॉइंट हो गया कन्वर्जन ऑफ एसआर वाले शेयर्स इनटू ऑर्डिनरी दूसरा हो गया प्रेफरेंशियल इशू तीसरा बायक रुकना बाय बैक के अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है बाय आपको याद होगा तो हमने पढ़ा था, था बैक में कैसा है कि बायबैक सच शेयर शेयर होल्डर होल्डिंग सच दैट हिज वोटिंग राइट फॉल टू बिलो द थ्रेशोल्ड विद इन नाइनटी डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द क्लोजर ऑफ द सेट बाई बैक ऑफर right क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बायक के कारण कंट्रोल बढ़ गया है एंड वो शेयर होल्डर नाइन्टी डेज में अपनी शेयर होल्डिंग ट्वेंटी फाइव परसेंट से कम करने को रेडी है तो उसको ओपन ऑफर देने की आवश्यकता नहीं है होता क्या कंपनी के अंदर एकदम क्विकली बता रहा हूं ये सब हम डिस्कस कर चुके अच्छे से फोकस करना है अच्छे से मान लीजिए हमारी कंपनी के अंदर सबके रिस्पेक्टिव शेयर है कंपनी बाय करने आई जिन लोगों ने बायबैक में शेयर नहीं बेचे उनका ऑटोमेटिकली कंट्रोल बढ़ेगा ना तो उनका जब कंट्रोल बढ़ रहा है किसी व्यक्ति का कंट्रोल 25 फाइव परसेंट हो गया बोले और नहीं 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 मुझे ओपन ऑफर नहीं देने नहीं देना है तो लॉ ने उनको

Acquisition of shares by any of up to his ऑफ शेयर टू राइट इशू एंटाइटलमेंट समझते ना कंपनी ने एक रेशियो बनाया होगा हर व्यक्ति जिसके पास चार शेयर है उसको एक शेयर मिलने वाला है तो आप जब तक अपने एंटाइटलमेंट वाले शेयर खरीद रहे हैं आपके ऊपर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट नहीं आएगा बात खत्म दूसरा केस लेकिन अगर आप योर एंटाइटलमेंट खरीद रहे हैं। आप बियॉन्ड योर एंटाइटलेंट खरीद रहे हैं मतलब क्या हुआ? कि एक शेयर right मिल रहा है याद आ है एक ना क्या था तो पहले राइट right इशू में अप टू हिज एंटाइटलमेंट तो क्या हुआ कि मैं मेरे जो प्रपोर्शन वाइज शेयर है वही ले रहा हूं तो, तो मेरे वो ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट आना ही नहीं है लेकिन अगर मैंने राइट right इशू में एक्स्ट्रा शेयर भी खरीदना चाह रहा हूं जो एंड में बच गए तो भी मेरे ऊपर नहीं आएगा इफ

तो राइट right इश्यू में तो उसका शेयर सेवन फिफ्टी में ही आएगा ना तो एक्स राइट प्राइस जो होगी दैट विल बी ऑलवेज हायर एज कंपेयर टू द मार्केट प्राइस बट यहां पे हमें इतना लोड लेने की जरूरत नहीं हमारे लाइफ कितनी आसान इसलिए है कि अगर कभी भी कंपनी का राइट right इशू हो रहा है तो अगर आप अप टू योर एंटाइटलमेंट ले रहे हैं तो आपके ऊपर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट नहीं आ सकती तो ब्लैंकेट एक्सेप्शन है बट अगर आप एक्स्ट्रा मोर देन योर एंटाइटलमेंट ले रहे हैं तो भी आपके ऊपर राइट इशू आपके ऊपर ओपन ऑफर की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी अगर आप ये दो कंडीशन कंप्लाई कर देते हैं ठीक है ये हमारे फेवरेट वाले हो गए उसके बाद में इंटर से ट्रांसफर हो रहा है बिटवी रिलेटिव मोस्ट इजी पॉइंट रिलेटिव ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों मार्क कर रहा हूं क्योंकि हमने एक क्वेश्चन इसके ऊपर देखा था इमीडिएट रिलेटिव के अंदर अगर कभी भी शेयर ट्रांसफर हो रहा है इंटर से तो यहां पर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट नहीं आती है उसके बाद में ये सब वो लोग होते हैं जो हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ंडरइटर हमारी कंपनी के लिए काम कर रहा है स्टॉक ब्रोकर हमारी कंपनी के लिए काम कर रहा है उसके क्लाइंट के लिए काम कर रहा है मर्चेंट बैंकर काम कर रहा है कोई भी व्यक्ति सेफ्टी नेट अरेंजमेंट के लिए काम कर रहा है मर्चेंट बैंकर एज ए स्टेबिलाई एजेंट काम कर रहा है ये आप ग्रीन शो ऑप्शन में पड़ेंगे बहुत जल्दी शेड्यूल कमर्शियल बैंक एस्क्रो के लिए काम कर रहा है इन सब केसेस के अंदर भी तो ये लोग हमारी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं इनके ऊपर भी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट नहीं आती है तो फॉर एक्जाम्पल कोई अंडर राइटर है उसके पास अगर उसको ट्वेंटी फाइव परसेंट अक्वायर करने पड़ गए तो वो ओपन ऑफर थोड़ी ना देते दे बैठेगा तो ये सब लोग कंपनी के रेगुलेशन के अंतर्गत काम कर रहे हैं इनके ऊपर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट नहीं आती है फिर अगर मैं फेवरेट पॉइंट निकालता हूं यहां पे, अगर कभी भी सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के तहत कोई एक्विजिशन हो रहा है सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट के तहत एक्विजिशन कब होता है जब कंपनी कंपल्सरली बोलती है गवर्नमेंट बोलता है कि कंपनी को कंपलसरली शेयर एक्वायर करने पड़ेंगे उन में भी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट नहीं आने वाला है उसके बाद में भाई साहब ये सबसे अच्छा तो नहीं है बट ये बहुत प्यारा है नहीं 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 मुझे पढ़ाने दो मुझे रुको मत फोकस करना है यहां पे इसके ऊपर वाला इजी है कभी भी अगर कोई भी ओपन ऑफर तो नहीं देना है इसमें आप गलत इंटरप्रिटेशन कैसे कर सकते हो हर एक स्कीम को ट्रिब्यूनल लेना होता है ट्रिब्यूनल के अप्रूवल से अगर आप स्कीम इंप्लीमेंट कर रहे हो तो ओपन तो ऑफर देना पड़ेगा ट्रिब्यूनल का अप्रूवल नहीं ट्रिब्यूनल के

एस ट्रांसफर और ट्रांसफरी तो उनके ऊपर भी ओपन ऑफर नहीं आएगा अगर ये दो कंडीशन कंप्लाई कर लेते हैं इसमें मैं एक्स्ट्रा फोकस क्यों दे रहा हूं इसके ऊपर भी किस तरीके क्वेश्चन हमने देखा है तो कोई भी ऐसा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट होता है जिसके अंदर ट्रांसफर ट्रांसफरी टारगेट कंपनी ना तो ट्रांसफर है ना ट्रांसफरी है लेकिन टारगेट कंपनी के अंदर कंट्रोल पे डिफरेंस आ रहा है कोई भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है जिसके अंदर दो कंपनीज मर्ज हो जाएंगी अब इसमें हमारा टारगेट कंपनी के अंदर कंट्रोल बढ़ रहा है और ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट आ रहा है कदम इधर देखो एक्स टारगेट कंपनी फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड बी लिमिटेड अब ये A, B Limited किसी स्कीम के 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 अंदर मर्ज हो रहे हैं, शेयर ट्रांसफरर है। मान लो ये है, ट्रांसफरी मान लो ये है, तो इन दोनों का कुछ भी अग्रीमेंट हो रहा है लेकिन उसके बाद में दोनों एक कंपनी बनने वाले हैं इनके पास अब एक्स लिमिटेड कितने शेयर हो जाएंगे थर्टी परसेंट तो यहां पर तो ओपन ऑफर आ जाएगा ना लेकिन ट्रांसफर ट्रांसफरी में कोई भी एक्सलिमिटेड है क्या नहीं है तो हमने पढ़ा तो ये पता नहीं क्या एक अनरियलिस्टिक दो कंडीशन रखी है उन्होंने बट फोकस अच्छे से करो कभी भी अगर कोई स्कीम ऑफ अरेंजमेंट बन रहा है जहां पर ट्रांसफर ट्रांसफरी हमारी टारगेट कंपनी नहीं है लेकिन फिर भी ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट आ रहा है कोई भी ऐसा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है जहां पे दो कंपनीज मर्ज हो रही है हो रही है और टारगेट कंपनी ना तो ट्रांसफर है ना ट्रांसफर ही है लेकिन टारगेट कंपनी के अंदर कंट्रोल मिल रहा है और ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट आ रहा है तो ओपन ऑफर आपको नहीं देना पड़ेगा अगर दो कंडीशन कंप्लाई कर लेते हो तो क्या पहला द कॉम्पोन ऑफ कैश एंड कैश इक्वलेंट इन द दंसिडरेशन पेड लेस देन ट्वेंटी पेडोटलेशन में से कैश कॉम्पोनेंट इज लेस देन ट्वेंटी फाइव

ये दो कंडीशन अगर आप कंप्लाई कर लेते हैं तो आपको ओपन ऑफर नहीं देना पड़ेगा नहीं नहीं सुनो मेरी बात को आप देखते थे निर्मल 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 बाबा को? निर्मल बाबा बाबा को को देखा ग्रीन चटनी वाले के पास लोग बहुत परेशान हो गए दिल्ली में उनको इतना सभा लगता था कि आप सोच भी नहीं सकते हो ठीक है हर एक व्यक्ति का अपना अपना समय होता है ठीक है सभा लगता था लोग आते थे बहुत परेशानी में बाबा जॉब नहीं मिल रही बहुत मेहनत की क्या करें ये जो समोसा है इसको ग्रीन चटनी से खाना चालू कर दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यूट्यूब पे ढूंढना आपको मिल जाएगा लोग खा रहे हैं ग्रीन चटनी सुबह शाम दिन रात प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है लोगों की ठीक है सो एम ट्राइंग टू से हाँ यूट्यूब पे सब है मैं क्या मन से थोड़ी बनाता हूँ ये सब सुना बस सुनो मेरी बात को दो कंपनी से हो रही है मर्च हो रही है अक्वायर हो रही है ठीक है ना ना तो हमारी टारगेट कंपनी ट्रांसफरर कंपनी है ना ट्रांसफरी कंपनी है hey! ना तो वो ट्रांसफर ना ट्रांसफरी है पर एक स्कीम ऑफ अरेंजमेंट अरेटर्ज हो रही है ये दो कंडीशन कंप्लाई कर लो ओपन ऑफर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैं कह रहा हूं दो कंडीशन कंप्लाई कर लो पहली कंडीशन है कि कैश में जो आप कंसिडरेशन दे रहे हैं ना वो 25 परसेंट से कम होना चाहिए कितना कम 25 परसेंट से कम होना चाहिए कैश कंसिडरेशन दूसरी कंडीशन

ए बी ये मर्ज हुई है टारगेट कंपनी नहीं है इसमें से लेकिन इसके मर्ज होने के बाद में टारगेट कंपनी के ऊपर ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट आ रही है तो उन्होंने क्या कहा देखो एक ऐसा स्कीम ऑफ अरेंजमेंट हो रहा है जिसके अंदर ट्रांसफरर और ट्रांसफरी है ही नहीं टारगेट कंपनी ठीक है और 25 परसेंट से कम है कैश पेमेंट हाँ 33 शेयर होल्डर सेम है हाँ तो ओपन ऑफर से एग्जामेशन नाचो Are you तो इसलिए ये बहुत खास हो जाएगा। इसका बहुत ज्यादा स्टैंडिंग नहीं मिल पा रहा है लेकिन मॉड्यूल ने एस दिया है तो हमसे इंपॉर्टेंट एक्साम्शन है हमारे लाइट नोट पर इसके बाद में रिजोल्यूशन प्लान के कारण अगर आपको ओपन ऑफर रिक्वायरमेंट आती है तो आपको देने की जरूरत नहीं है सीएम सारे सबके कारण या फिर ट्रांसमिशन सक्सेशन इनहेरिटेंस के कारण भी अगर आपको ओपन ऑफर आता है तो आपको ओपन ऑफर देने की आवश्यकता नहीं है बहुत सारे

ेशन ऑफ अक्वायर एंड ऑब्लिकेशन ऑफ मैनेजर और बात यहाँ पे खत्म जाती है कंप्यूटिंग ऑफर ठीक है छोटा सा पॉइंट है जिसके अंदर कंप्यूटिंग ऑफर याद आ रहा है उसने एक ओपन ऑफर दिया

इसके साथ में जो आपको यहां पर ये पॉइंट्स दिखते हैं कि ऑब्लिगेशंस ऑफ टारगेट कंपनी ऑब्लिगेशंस ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ मैनेजर अक्र ओपन ऑफर इसको अच्छे से पढ़ के जाना है भले कितना भी बोर लगे इसको एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है बिकॉज क्या हो रहा है जितने भी रेगुलेशन पढ़ेंगे उनके एंड में ऐसे ऑब्लिकेशन आ जाते हैं इसके ऑब्लिकेशन उसके ऑब्लिकेशन इसके ऑब्लिकेशन एज अ स्टूडेंट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेबर दी कि भाई कौन से रेगुलेशन में कौन से ऑब्लीकेशन थे बट यू हैव टू एंश्योर कि आपको रेगुलेशन अच्छे से समझ में आए अगर रेगुलेशन अच्छे से समझ में आता है तो ऑब्लिकेशन की एक्जेक्ट पॉइंट अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप उस रेगुलेशन में जो रिक्वायरमेंट है उसको आप अपने हिसाब से स्ट्रक्चर कर पाएंगे लेकिन शुरुआत में कोशिश इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग ध्यान रखें देखते हैं यारों ना थकेंगे हम ना झुकेंगे तो ऑफर पीरियड द बिनेस ऑफ द टारगेट कंपनी इज कंडक्टेड इन दर्डनरी कोर्स जब आपका ऑफर पीरियड चल रहा है

टारगेट कंपनी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर देगा टू द अक्वायर लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर देनी अक्वायर को इजी अपॉन रिसीट ऑफ द डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट द बीओडी ऑफ द टारगेट कंपनी दारियल कॉन्टीट्यूटर कमिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अब यहां पर क्या है जैसे ही पब्लिक अनाउंसमेंट आ चुका है कि हमारी कंपनी के अंदर सारे शेयर होल्डर्स को राइट मिलना है पार्टिसिपेट इन ऑफर तो हमारी कंपनी के बीओडी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तो इंडिपेंडेंट रिकमेंडेशन टू देश मैडेटरी ओपन ऑफर में क्या तो पार्टिसिपेट करना, करना है क्या क्या चीज आपने ध्यान में रखनी चाहिए और ये पब्लिश किया जाएगा हर जगह पे यहाँ पे सेम पॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन वेरिफिकेशन ऑफ शेयर अब यहां पे टारगेट कंपनी को एक और काम क्या करना है समझना अक्वायर ने ओपन ऑफर दिया लोग शेयर बेचने के लिए आए सो अक्वायर शेयर किसके दिए हुए ये शेयर एक्चुअली है कि नहीं जेन्युन है कि नहीं so, सो वेरिफिकेशन के लिए टारगेट कंपनी टू हेल्प दी अक्वायर उसके बाद में आता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ टारगेट कंपनी मेक अवेलेबल टू ऑल मेकिंग कंपीटिंग ऑफर एनी इनफॉर्मेशन और कोऑपरेशन जो भी व्यक्ति कंपीटिंग ऑफर दे रहे हैं उनको भी टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोऑपरेट करेंगे अगर आप प्रैक्टिकली देखो लॉजिकली समझो कोई पॉइंट ऐसा याद रखने आपको की आपको आवश्यकता पड़ेगी नहीं सुनना टारगेट कंपनी टारगेट कंपनी के शेयर्स में अवयर ओपन ऑफर देकर लड़ रहा है तो टारगेट कंपनी का काम सबसे पहले तो क्या होता है अपना बिजनेस करना है ठीक है फिर अक्वायर को लिस्ट ऑफ शेयर होल्डर दे देना है उसके बाद उसने ओपन ऑफर दे दिया है अब वो ओपन ऑफर के बाद में लोग अप्लाई करेंगे

ऑब्लिगेशन ऑफ दायर अक्वायर की सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन तो क्या है लॉजिकली इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन क्या अक्वायर की टू गिव अफ तो सबसे बड़ी ऑब्लिगेशन इसके अंदर अक्वायर की है लेकिन यहां पे कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए हुए हैं उसके अलावा तो उसको हम पढ़ने की कोशिश करें प्रायर मेकिंग द पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ एन ओपन ऑफ अक्वाइट दिस रेगुलेशन दर शेल इंश्योर दर्म फाइनेंशियल अरेजमेंट है

आप लिखोगे As a student, you will never like the obligation वाला पार्ट बिकॉज ये कैसा रहा है यार सर बहुत परेशानी आ रही सर जल्दी जल्दी आप, आपका काम है आप करके सुनो मेरी बात को। एक पॉइंट है जो आपको हर जगह मिल जाएगा ये वाला कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू किए पब्लिक अनाउंसमेंट डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट इट हैज़ टू बी ट्रू फेयर तो आपको जब भी ऑब्लिगेशन लिखनी है किसी की भी तो याद करो कि इसने इस पूरे रेगुलेशन में कहीं कोई डॉक्यूमेंट्स इशू किए क्या अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किए तो ये पॉइंट लिख देना फेयर फिर

फॉर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट होना चाहिए दूसरी भैया अगर आपने कोई असेट को बेचना है तो अभी बता दो वरना दो साल तक आप बेच नहीं पाओगे उसके बाद में कि आपने जो भी पब्लिक अनाउंसमेंट डिटेल पब्लिक अनाउंसमेंट दिया है उसके ऑफर डॉक्यूमेंट दिया है उसमें सब कुछ ट्रू एंड फेयर है कुछ भी मिसलीडिंग नहीं है और लास्ट पॉइंट आप इस दौरान ऑफर पीरियड के दौरान कोई भी शेयर बेच नहीं सकते फोर ऑब्लिगेशन ऑफ दर देन कम्स लास्ट मैनेजर टू द ओपन ऑफर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ टेक ओवर कोर्ट हंड्रेड परसेंट फोकस यहां सबसे आसान है कंपेरिटिवली फोकस करना मैनेजर को क्या ध्यान रखना है सबसे पहला प्रायर टू पब्लिक अनाउंसमेंट बिंग मेड द मैनेजर टू द ओपन ऑफर शेल इंश्योर दर इज एबल टू इंप्लीमेंट द ओपन ऑफर

नेक्स्ट जो भी इंटरमीडियर थी उसका आपको ध्यान रखना है कि सारी रजिस्टर्ड विद बोर्ड है द मैनेजर ओपन ऑफिशियल इंश्योर कि जो भी इंटरमीडियट है जिसको भी आप एंगेज करो रजिस्टर्ड विद बोर्ड बोर्ड मतलब सेबी सेबी सेक्शन ट्वेल्व

ने फॉर्म फाइनेंशियल अरेंजमेंट करेगा ठीक है कर लिया उसके बाद सेकंड पॉइंट पे आएगा कि यार ये जो अक्वायर ने सारे डॉक्यूमेंट्स इशू किए थे वो सब ट्रू फेयर थे उसके अंदर कुछ भी मिसलीडिंग तो नहीं था नहीं था उसके बाद में ड्यू ड्यूडिलिजन सर्टिफिकेट देना है और ये चीज का कि भाई काम भी अच्छे से करना है ड्यू ड्यूडिलिजन सर्टिफिकेट देना है और आपको सब काम भी डिलीजेंटली करना है अच्छे से करना है और उसके बाद जो भी इंटरमीडिएट है वो सब रजिस्टर्ड होनी चाहिए और ये पूरा होने के बाद में आपको सेबी को फिफ्टीन डेज के अंदर एक पूरी रिपोर्ट देनी है कि सारे जो भी कंप्लाइंस थे वो अच्छे से किए जा चुके हैं सुना मेरी बात अच्छे से प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है है कि रेगुलेशन सेबी की होती एकदम बारीक अब उस बारीक रेगुलेशन के अंदर सर हमारे दिमाग में छप गया है हमने घुस घुस के पढ़ा पड़ा बैच में हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि ओपन ऑफर कब देना है मैंडेटरी ओपन ऑफर के दो ट्रगर वर्लट्री ओपन ऑफर के पॉइंट्स ये सब हमारे दिमाग में छप चुके हैं लेकिन ये जो बहुत छोटे 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 पॉइंट्स ये सब हम कैसे याद कर पाएंगे एंड उसी के लिए हम इस रिविजन को रिकॉर्ड करते हैं यू हैव टू एंश्योर कम भी आप इसको एग्जाम के पहले तीन से चार बार देख के जाए बिकॉज एट दी एंड ऑफ द डे चीजों को याद रखना आपके एंड पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये चीजें आप याद रखें एग्जाम में लिखने के लिए लेकिन वो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप मल्टीपल बार देख लेंगे तो ओके सो दैल बी ऑल फॉर दिस रिविजन एंड वी आर डन विथ टेक ओवर कोड